ਇੰਡੀਆ ਕਿਡਨੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਂਡ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕਿਡਨੀ ਡੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਕਿਡਨੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਕਿਡਨੀ ਡੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਡਨੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਘੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਕਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇਤਨਾ ਸੋਚਾ ਇਸ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਕੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੁਰਦੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਮੇਂ, ਇਸਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਕਰਤਵਯ ਬਣਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋ ਇਨਕੀ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਰੋਕਣੇ ਕੇ ਉਪਾਏ ਵੀ ਬਤਾਏ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਕੋ ਕੈਸੇ ਇਲਾਜ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਆਜ ਸੇ ਅਗਰ ਹਮ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਸੋਚੇ
कि इसका इलाज नहीं होता था, अब तो इतना इलाज इतना अच्छा हो गया है और लोग किडनी फेल की बीमारी के कारण अब हम जाने नहीं देते, उनकी ज़िंदगी को हम एक आम इंसान की ज़िंदगी बना देते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप यहाँ आए, आपने डायलिसिस का यूनिट शुरू किया, तब डायलिसिस भी एक हुआ था, और आज 15-15 साल 16-16 साल के पेशेंट भी आपके पास हैं जो डायलिसिस कराकर भी अपना जीवन दान पा रहे हैं, और अभी आपने एक जो किडनी ट्रांसप्लांट का शुरू किया। आप हमें बताएं कि डायलिसिस की जब आप शुरू किया तो डायलिसिस बहुत बड़ा हुआ था कि डायलिसिस होता है जी, उसके बाद तो आदमी बस मौत के नज़दीक होता है जब डायलिसिस हो जाता है, लेकिन आपने उस धारणा को भी चेंज कर दिया, आपने बहुत बढ़िया तरीके से डायलिसिस के यूनिट जो अपने लगाए और बीमारियों से दूर, क्या कहना चाहें? एक तो मैं आपको सही करेक्ट कर दूं थोड़ा सा ऋचि जी, कि हमने डायलिसिस का यूनिट, मैं जलंधर में सन 2000 में आया था, तब से हमने डायलिसिस की यूनिट शुरू की थी और आज 19 साल हो गए हैं। तो जो हमने इलाज किसी एक हमारे एक पेशेंट ऐसे हैं जो 19 साल पहले हमने जो डायलिसिस शुरू की थी वो आज तक अभी तक अकेले चल के आते हैं डायलिसिस कराते हैं। आप मान नहीं सकते, पहले लोग सोचते थे कि डायलिसिस चल रही है तो 2-4-6 महीने की ज़िंदगी रहेगी, लेकिन अब आपके सामने जीता जागता उदाहरण है वो पेशेंट, वो हमारे, हम उनको पेशेंट नहीं, हम उनको गेस्ट बोलते हैं, वो हमारे गेस्ट हैं और हम आपको उनको उनसे आपकी मुलाकात भी करा सकते हैं और बता भी सकते हैं कि कैसे ज़िंदगी को अच्छी डायलिसिस के तरीके से, अच्छी डाइट, अच्छी मेडिसिन और अच्छी क्वालिटी की लाइफ। वो अपना काम भी करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं और हफ्ते में 2 बार आके डायलिसिस कराते हैं। तो 19 साल के पेशेंट अभी तक है और भगवान ने चाहा तो आगे और 20-25-30-40 जितने साल होंगे उतनी और ज़िंदगी हम देने की कोशिश करेंगे और उनको पूरी ज़िंदगी कोई तकलीफ ना हो, या हमारी पूरी कोशिश रहेगी। क्वालिटी ऑफ डायलिसिस जो आपने बात की उसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत एक डायलिसिस करना ही एक से तरीका नहीं होता, डायलिसिस कैसे किया जाए और डायलिसिस को करने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना, क्या खाना। पहले ये कहते थे किडनी का मरीज है, इसको ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये नहीं खाना, प्रोटीन नहीं खाना, ये नहीं खाना, पोटेशियम नहीं खाना, ये मरीज पहले आधा मरा हुआ होता है, उसके बाद ये खाने उनको ना दो, मरीज दुबला पतला कमज़ोर होके इन्फेक्शन से या किडनी की या हार्ट की तकलीफ या लंग्स के इन्फेक्शन से या पेट में पानी भरने की वजह से या लीवर फेल होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको 100 मरीज रास्ते में चलते हुए रखेंगे तो आपको हमारा पेशेंट जो होगा डायलिसिस वाला, आप देख सकते हो कि वो आम नागरिक की तरह उसी स्पीड से, उसी रफ्तार के साथ अपनी चाल चलेगा और आपको पहचानने में मुश्किल आएगी, आप पहचान नहीं सकते कि उसकी डायलिसिस आप पिछले 10-15-20 सालों से चल रही है। तो कहने का मतलब है डायलिसिस से हवा हटना चाहिए, डायलिसिस से ज़िंदगी की, हम किडनी का काम मशीन करती है और मशीन किस तरह करे, उसको कैसे चलाना है, उसको कितनी स्मूथली चलाना है और उस मरीज को क्या क्या खाने को नहीं देना जो मना करते थे वो देना है, अगर इन बातों का ध्यान रखें तो मरीज अपनी ज़िंदगी नॉर्मल रह सकता है पूरी ज़िंदगी। मैं कहता हूँ ईश्वर ने जो ज़िंदगी दी है पूरी ज़िंदगी नॉर्मल रह सकता है, सिर्फ किडनी ही तो ख़राब है, वो किडनी का काम हम मशीन से कर देते हैं, मशीन कर देती है काम, किडनी का फिल्टर कर देती है, बाकी हम दवाइयों से सेट करते हैं। तो किडनी के जो 4 काम होते हैं वो 4 काम में से एक काम मशीन करती है, बाकी 3 काम हम दवाइयों से कर देते हैं और खाने पीने का उनको पूरी छूट दे देते हैं, तो ज़िंदगी आराम से चलती रहती है। जब आपने देखा कि ये जो एरिया है इसमें किडनी की जो प्रॉब्लम है दिन ब दिन बढ़ रही है और शुगर के कारण, कैंसर के कारण जो किडनीज हैं उस पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट हो रहा है, और तब आपने डायलिसिस के साथ साथ ये जो यूनिट है आपने किडनी ट्रांसप्लांट का सोचा कि इसी हॉस्पिटल में ये ट्रस्टी जो सेवा है दी जाए, क्योंकि आपने पहले ही जब 2001 में आप आए, उससे पहले भी आपने 2000 में जब आप आए यहाँ पर तो आपने पहले ही बहुत बड़ी सेवा की थी और हजारों पेशेंट्स पहले ही आप अपने हाथों से निकाल चुके थे, और अब 19 साल का लंबा एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे? जब हम आए थे उस वक्त हमें डर था कि पता नहीं लोगों को हम कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, उनको समझा पाएंगे कि नहीं कि आप डायलिसिस करवाइए और आप डायलिसिस से अपनी ज़िंदगी नॉर्मल रह सकते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। और जब मैं शुरू में बोलता था कि आप प्रोटीन खाइए तो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आप तो उल्टा बोलते हैं, हमें तो डॉक्टर ने बोला प्रोटीन मत खाइए, हम कहते थे नहीं प्रोटीन खाइए, हम कहते थे उनको प्रोटीन ना खिलाने के कारण मरीज वैसे ही कमज़ोर होकर चला जाता था। हम उनको प्रोटीन भी देते हैं, उनको नॉन वेज भी देते हैं, चिकन भी देते हैं और उनको अंडे भी खिलाते हैं, रोज़ 4-6 अंडे हमारे मरीज डायलिसिस वाले मरीज खाते हैं। मैं आपको टीवी पे बता रहा हूँ, मरीज डायलिसिस के हमारे 4-6 अंडे खा सकते हैं, आपको आप विश्वास नहीं करोगे। अगर हम ये बात बोलेंगे तो कोई पुराने या हमारे सीनियर डॉक्टर या हमारे कोई और बोलेंगे, या ये प्रूव्ड है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए।
मरीज को प्रोटीन की कमी से डेथ या मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उनको प्रोटीन खिलाइए। इवन हम तो येलो पार्ट भी देते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, हम मरीज को बोलते हैं आप येलो पोर्शन ऑफ अंडा, अंडे के बीच की गोली होती है येलो, वो भी हम खिलाते हैं, उनको खाना चाहिए, मना नहीं कर। जो डायलिसिस कराते हैं उनको पूरी ज़िंदगी अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं और ज़िंदगी जी सकते हैं। वैसे बोलना नहीं चाहिए, अगर कोई ज़िंदगी की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है, कोई बोलता नहीं हमें तो रेड वाइन पीनी है, तो हम बोलते हैं यस पीजी, आप क्यों, आप 70 साल का बंदा है, 70 साल का मरीज है, उसने 70 साल अपनी ज़िंदगी निकाल दी है, किडनी फेल की मरीज, वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्जॉय करना चाहता है, तो हम रेड वाइन अगर लिमिट में ली जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। पेशेंट अगर डायलिसिस पे चल रहा है और रेड वाइन अगर लेना चाहे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, ले और इन्जॉय करे, उसकी लाइफ खुशी के कारण इतनी बढ़ जाएगी और उसकी क्वालिटी, जो लाइफ उसकी 2 साल है वो उसको 3 साल महसूस करेगा, वो 4 साल महसूस करेगा, और अगर 10 साल की जिंदगी होगी तो उसको 12-15 साल की महसूस होगी। तो जिंदगी की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे उसकी ज़िंदगी और बढ़ेगी, वो खुश रहेगा, उसकी ज़्यादा ब्लड प्रेशर टेंशन ये सब दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रैक्टिकल आस्पेक्ट सोचना चाहिए, हमें ये नहीं कि मरीज ने जो किताब में लिखा ये नहीं खाओ, नशे बंद करो, चलो जाओ, ये दवाइयाँ ले लो, नहीं, उसको समझा के बैठ के उसकी फैमिली को समझाना पड़ता है कि इसको अलाउ करो कि अंडा भी खाए, अगर ये वाइन पीना चाहता है कभी कभी तो पीने दो, मना ना करो, उसकी ज़िंदगी है, एंजॉय करने दो। सर ये जो इतना बड़ा यूनिट किडनी ट्रांसप्लांट का, आप हमें बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट एक से तो हो गई कि डायलिसिस पर भी आदमी जी सकता है, लेकिन जब डायलिसिस से भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएँ किडनी में, किडनी शुगर की वजह से या कैंसर की वजह से किडनी वगैरह निकालनी पड़ जाए, तो आप हमें बताएं कि उस स्टेज में क्या किडनी, मतलब कौन सी स्टेज है जिसपे हम ये सोचें कि आदमी की किडनी ट्रांसप्लांट ही होकर काम चले। किडनी की बीमारियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एज अ जनरल पब्लिक की नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भाग ऐसे कहने कह लो कि किडनी 2 तरीके से फेल होती है, एक फेल होती है अक्यूट यानी कि टेम्पररी, टेम्पररी मतलब थोड़े टाइम के लिए किडनी खराब हुई किसी दवाई की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से या उल्टी दस्त होने के कारण पानी जो शरीर में कम हो जाता उसकी वजह से, इस तरह की कंडीशंस में परिस्थितियों में जो किडनी खराब होती है वो अक्यूट या टेम्पररी होती है, उसको इलाज करें तो किडनी वापस ठीक हो जाती है, यानी किडनी में परमानेंट कोई डैमेज नहीं होता, इसको बोलते हैं अक्यूट किडनी फेलियर, ये टेम्पररी, ये 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर किडनी ठीक हो जाती है। एक होती है क्रॉनिक या परमानेंट, क्रॉनिक होती है जो शुगर की वजह से, जैसे शुगर की बीमारी शुरू हुई हो जाएगी नहीं, वो चलती रहेगी, शुगर धीरे धीरे किडनी के फिल्टर में जमा हो जाएगी, वो धीरे धीरे किडनी के फिल्टर को ख़राब कर देगी, गला देगी। वैसे ही है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे किडनी के नाजुक फिल्टर को तोड़ता रहेगा और धीरे धीरे किडनी के फिल्टर कम होते जाएंगे, उसको भी क्रॉनिक किडनी फेलियर की एक कारण माना जाता है। और इसी तरह से कुछ दवाइयां हैं, कुछ किडनी की अपनी बीमारियां हैं, किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, किडनी की ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की बीमारियां हो जाती है, किडनी की आनुवंशिक बीमारियां होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, उन कंडीशन में किडनी धीरे 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 उसको डैमेज होता है, उसको रोका नहीं जा सकता, उनको हम दवाइयों से उसकी स्पीड जो बढ़ने की बीमारी बढ़ने की स्पीड है वो हम कम कर सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उसमें हमें दवाइयाँ दे के उसकी किडनी की बीमारी की जो बढ़ने की स्पीड है उसको हम स्लो करते हैं, उसको धीरे धीरे, जो किडनी 2 साल में ख़राब होने वाली होती है उसको हम 15 से 20 साल कर देते हैं, बस इतना फ़ायदा होता है हमारी नेफ्रोलॉजिस्ट की दवाइयों का। तो उन कंडीशन में जब किडनी टोटल टाइम, कई बार हमारे पास मरीज आते हैं 100 में से 80-90% मरीज तो ऐसे होते हैं जो किडनी की बीमारियाँ होते हुए भी या तो उनको पता नहीं था या पता भी था तो उनको ये नहीं पता था कि किडनी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होते हैं, उनको दिखाना चाहिए, तो वो अनजाने के कारण या उनको पता नहीं होने के कारण उनकी किडनी की बीमारी टोटली डैमेज हो जाती है, किडनियाँ दोनों फेल हो जाती है, परमानेंटली डैमेज हो जाती है, गल जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं एंड स्टेज किडनी फेलियर। ऐसी कंडीशन में किडनी फेलियर का काम, जो काम है खून की सफाई करना, वो नहीं होता है, तो उसके 2 ही रास्ते बचते हैं, या वो डायलिसिस जिंदगी भर कराए या उसको किडनी बदल दें। किडनी बदलने के लिए उसको घर का कोई रिश्तेदार जिसमें माँ बाप, भाई बहन, पति या पत्नी या बच्चे, इनमें से कोई भी किडनी अपनी दान दे सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और 60 साल से नीचे हो। इनमें से माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी या बच्चों में से कोई भी अगर फैमिली मेंबर, इसको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं, अपने रिश्तेदार की, अपने भाई की, बहन की, बच्चों की, माता की, पिता की किडनी बचाना चाहता है तो अपनी एक किडनी दान दे दे। जो देने वाला था उसके हम सारे टेस्ट करते हैं कि उसको कोई देने के बाद कोई नुकसान तो नहीं होगा, उसकी कंडीशन खुद की ठीक है या नहीं है,
उसकी किडनी देने के बाद उसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं होगी जो उस किडनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसकी ज़िंदगी कैसी चलेगी, उनकी मैचिंग कैसी है, उसकी किडनी बॉडी में फिट करेगी नहीं करेगी, ऐसे सारे टेस्ट करते हैं। और जब सारे टेस्ट ओके हो जाते हैं फिर हम उसको यस बोलते हैं और उसकी फाइल बना के गवर्नमेंट को पेश की जाती है, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, गवर्नमेंट से पास होने के बाद ही हम किडनी ट्रांसफ़र करते हैं। हम बिना किसी घर के बाहर की किडनी और बिना गवर्नमेंट की परमिशन के किडनी ट्रांसफ़र नहीं करते। तो इसलिए जो किडनी देना चाहता है, लेना चाहता है, उसकी पूरी हमने जांच करते हैं और ये जांच हम गवर्नमेंट को भी सौंपते हैं। उसमें पुलिस इंक्वायरी भी होती है, गांव के सरपंच की इंक्वायरी, कमिश्नर की इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी, सब इंक्वायरी होने के बाद इसका एक लंबा प्रोसीजर है, उसमें 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। उसको टेस्ट कराने के बाद ही कोई आजकल किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है, ये ट्रांसप्लांट एक्ट के नियम के अनुसार है। दर्शकों, अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे पेशेंट के साथ जिन्होंने अपनी किडनी दी है और ट्रांसप्लांट करवाई है यहीं इंडिया किडनी हॉस्पिटल में। सर, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे आपको यहाँ पर हॉस्पिटल की सर्विसेज और डॉक्टर्स का आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर सर बहुत ही अच्छा है, हमारे को 1 साल पहले भी पता चला था, रवि सर हैं लुधियाना में थे, शाम से जो मिल नहीं पाए, अभी जब पता चला भी इधर हैं, इधर हमारे को किसी लड़के ने लेके आया कि जहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है सर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और स्टाफ भी पूरा बहुत अच्छा है। और जैसे आपने किडनी अपनी दी है तो कैसा आपको लग रहा है? अभी 2 दिन का ही वक्फा हुआ है और यहाँ का टर्शियरी केयर कैसी हॉस्पिटलाइजेशन है, कैसा केयर है? और डॉक्टर साहब का जो अब जब उन्होंने किडनी मतलब आपकी किडनी निकाली कैसा? उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं सर, मुझे सुबह ही पता चला, इधर जब पेन हुई राइट साइड में सुबह पता चला, बाकी मुझे कोई मतलब आपका ठीक रहा यहाँ पर अभी अभी आप इजी फील महसूस कर रहे हैं? जी जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि किडनी देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि कई बार ऐसी इसी वजह से जो लोग हैं अपनी जिंदगी खो कर बैठ जाते हैं और अपने प्यारों को खो लेते हैं, जैसे आपने अपने बेटे को दिए, क्या करते? मैं लोगों को यही कहना चाहता हूं सर
अपने बेटे को घर का परिवार का कोई भी सदस्य किडनी दे सकता है। परिवार के बीच में किडनी है जो डोनेट हो सकती है आपस में और दे सकते हैं बिना फिक्र के, कुछ नहीं होता है। वैसे भी हमारी 60 साल एज है सर, और 10 साल या 5 साल जीना था वैसे हो सकता मैं 10-15 साल जी जाऊँ। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू।
हम इंडिया किडनी हॉस्पिटल लिंक रोड जालंधर से आप सभी का स्वागत करते हैं, और ये हमारी इंडिया किडनी हॉस्पिटल की मेन कोर टीम है जो हमारे मरीज आने वाले पेशेंट्स हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उनका ध्यान रखते हैं। और ये हमारे डॉक्टर संजीव हैं, ये हमारे मैनेजर हिमांशु हैं, लव ये परवीन है, और ये ICN हमारे मंदीप हैं। तो ये इस तरह से हमारे सारे कोर टीम है, ये सारे हमारे पेशेंट्स का, और इसके अलावा हमारी इनकी ये सारे इंचार्ज हैं, इनके नीचे और पूरी टीम है जो मरीजों का आगे ख्याल रखते हैं। और पर्सनल केयर पे होमली पेशेंट को लगे, हमारे मरीजों को, हमारे गेस्ट को लगे कि हम एज एट अ होम फीलिंग करें। इसके साथ हमारे डॉक्टर अनुता हैं जो हमारे जितने भी डायलिसिस का स्टाफ है, डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखते हैं, प्लस उनका मैनेजमेंट है, प्लस जो ए बी फिस्टुला और डायलिसिस के लिए वैस्कुलर एक्सेस की सर्जरी होती है वही करते हैं। मैं डॉक्टर रघुविंदर सिंह, नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, इंडिया किडनी हॉस्पिटल लिंक रोड लाजपत नगर जलंधर तो थोड़ा सारा नू सत श्री अकाल ते नमस्कार। इंडिया किडनी हॉस्पिटल 2005 दे विच स्टार्ट कीता सीगा, उहदे विच असी डायलिसिस दी यूनिट सब तो मॉडर्न सब तो एडवांस मशीना, आज साडे को 16 मशीना हैगी, ऑनलाइन डायलिसिस सिस्टम हैगा, ऑनलाइन डबल आर ओ पास सिस्टम हैगा, असी किडनी ट्रांसप्लांट दी फैसिलिटी भी शुरू कीती है। तो हुण असी आज दे दिन वर्ल्ड किडनी डे दे विच असी वर्ल्ड किडनी डे मना रहे ने। वर्ल्ड किडनी डे हर मार्च दे दूजे वीरवार नूं हर साल मनाया जाता है, हर साल इन्हां दी एक थीम होंदी है। इस बारी इन्हां दी थीम हैगी किडनी हैल्थ फॉर एवरी वन एंड एवरीवेयर। इहदा मतलब है किडनी दी बीमारी जिस तेज़ी नाल फैल रही है, इन्हां नूं असी कंट्रोल करने दे लिए अवेयरनैस दा एक प्रोग्राम हुंदा है। असी उन्हां दी हैल्दी लाइफ स्टाइल ते हैल्दी किडनी दे लिए असी एक वॉकथन दा आयोजन करते हैंगे। हर साल ये आयोजन हुंदा है, सवेरे 6 बजे तो लेके सवेरे 6:30 बजे तक असी ये आयोजन करते हैं। इहदे विच साडे पेशेंट हुंदे, किडनी दे पेशेंट हुंदे, स्टाफ हुंदा है, डॉक्टर्स हुंदे, साडे उन्हां दे रिलेटिव्स हुंदे हैं। तो जे भी हैल्थ असी अवेयर करने की कोशिश करते हैं, इहदे लिए 2 किलोमीटर की असी वॉकथन करते हैं। इहदे लिए असी कोशिश करते हैं कि हर बंदा अपनी हैल्थ का ख्याल रखे तो अपनी किडनी का भी ख्याल रखे। किडनी की बीमारी जिस तेज़ी नाल फैल रही है, इन्हां दे सिंपल जे टेस्ट होंदे हैं, शुरुआत दे विच पता नहीं चलता, इस करके असी कहिंदे कि तुसी अपनी स्क्रीनिंग करवाओ ते अपना टेस्ट कराओ तो किडनी दे रोगों तों बचाओ करो। लाइफ स्टाइल के लिए असी सजेस्ट करते हैं कि तुसी शुगर का कंट्रोल रखो, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखो, फास्ट फूड अवॉइड करो, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए है, जिन्ना हो सके दर्द या कोई एंटीबायोटिक की दवाइयाँ जिन्हें की लोड नहीं है तुसी उन्हों का उपयोग ना करो, या किसी डॉक्टर की सलाह करके ही डॉक्टर की सलाह के नाल ही उन्हों की दवाइया का यूज़ करो, अदरवाइज अननेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हैल्दी लाइफ स्टाइल तो एक्सरसाइज करो, ये सारी चीज़ें तुम करते रहोगे तो किडनी की रोग या कोई भी रोग होने का बचाव हो सकता है। धन्यवाद।